हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज को ब्लॉग को शुरू कर रही हूँ अभी से। तो मैंने सोचा कि मैं रोज़ ब्लॉग नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा बहुत टेंशन, बहुत प्रेशर पड़ रहा है ब्लॉग देने के लिए एवरी डे। तो बहुत सारे काम भी रहते हैं घर पर, तो इसलिए मैंने सोचा कि रोज़ ब्लॉग नहीं दूंगी, एक दिन छोड़ के एक दिन दूंगी। तो चलिए ब्लॉग को शुरू कर रही हूँ। अभी बजे 12। मेरा जो कुकिंग है वो कंप्लीट हो गया है, और आज जो हुआ है वो थोड़ा सा मच्छी करी और राइस किया है। तो मेरा एक प्रॉब्लम हुआ है, देखिए ना, मेरा जो बेटा है, बेटी के दांत का जो मसूड़ों का इधर जो टूथ है ना, तो उसमें थोड़ा सा वो क्या होता है, उसमें कैविटी हो गई है। तो इसलिए दोपहर में उसको लेके जाऊंगी डेंटिस्ट के पास। तो बहुत छोटा है, सिर्फ 4.5 साल का है, लेकिन अभी से बहुत मीठा खाते हैं, हर टाइम मीठा खाते रहते हैं, तो इसलिए उसका कैविटी हो गए है। तो डेंटिस्ट के पास लेके जाऊंगी, तो डेंटिस्ट क्या बोलते हैं वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी घूम के आके। तो उसे देखना पड़ेगा क्या होता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है, ऐसे उसमें कैविटी हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि वो दांत ज़रूर उसको तो उठाना पड़ेगा, उनका रिमूव करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है, वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। देखिए मैं कितनी मोटी हो गई हूँ, बहुत चर्बी जम गई है, कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए यही था, यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। अब जो जो होगा बिल्कुल ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज है नेक्स्ट दिन सुबह, अभी बजे है 8:35। तो मेरा पति जो है ऑफिस के लिए निकल गए हैं, तो अभी मैं आई हूँ यहाँ पर। बहुत सारे ये देखिए कपड़े हैं, इसको मैं फोल्ड करूँगी और कुछ बातें भी करूँगी आप लोगों से। तो कल मैं बोली थी कि डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी मेरे बेटे को, उसका जो ऐसे ये जगह का जो दांत है ना, जो अंदर का जो दांत है यहाँ पर, वो ना कैविटी आ गए है उस दांत में। तो बहुत सारी मीठा खाते हैं वो, चीनी और चॉकलेट्स, आइसक्रीम बहुत सारे खाते हैं, तो इसलिए कैविटी हो गए। और कैविटी होने के बाद ना यहाँ से टूट गए वो दांत। तो ऐसे क्या हुआ, उसका जो टंग है वो ना कट जा रहे थे, तो इसलिए वो इमरजेंसी बेसिस से लेके गए यहाँ पर हमारा घर के पास। एक अच्छा सा डेंटिस्ट का क्लिनिक है, डेंटल क्लिनिक है, अच्छा है वो डॉक्टर। मैं भी, मेरा दांतों का भी 2 रूट कैनल किया था मैंने उधर, तो वहाँ पर ही लेके गए थे मेरे बेटे को। तो आने को बहुत रात हो गए, लौटने के बाद बहुत रात हो गए, तो बहुत रात हो गए। तो आकर फिर हमने थोड़ा सा वो चिकन लाए थे, तो राइस और चिकन कर ली। तो ये था उसका, डेंटिस्ट ने बोला कि बच्चे लोग को ऐसे होता रहता है, वो फिलअप कर देगा वो। तो नेक्स्ट दिन एक अपॉइंटमेंट दिया है, तो उस दिन जाके फिर फिलअप कर लूँगी मैं। और बेटी का भी एक कैविटी हुआ है दांत में, तो उसका भी बोला कि उस दिन जाके फिलअप कर लूँगी। तो दोनों बच्चों का ही है नेक्स्ट दिन अपॉइंटमेंट, तो उतना ज़्यादा डरने का कोई बात नहीं है।
और काले चिकन बनाने को लेकर फिर हो गई मेरे पति से थोड़ा सा लड़ाई। क्या हुआ, मेरा पति चिकन बना रही थी और फिर मैंने क्या किया, उस चिकन में थोड़ा सा घी दे दिया। तो उसने उस बोला था कि घी मैं दूंगी लास्ट में, एकदम एंड में। लेकिन मैंने क्या किया, जब चिकन पक रही थी तो तब मैंने 2 चम्मच घी दे दी। तो क्या हुआ, मुझे ऐसा लगता है, मैंने देखा भी था, बहुत सारे कुकिंग चैनल है ना, तो कुकिंग चैनल में मैं देखा भी था कि अगर आप पकने के टाइम घी दे देंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है उस खाना का। तो इसलिए मैंने दे दी और उसने सोचा था कि लास्ट में देंगे, तो इस बात को लेकर और चिल्लाने लगी, तुम क्यों दे दी, तुम मेरा खाना खराब कर दी, कुकिंग खराब कर दी। तो ऐसे ऐसे चिल्लाना लगी। तो फिर मैंने उसको धीरे धीरे से, वो थोड़ा सा लड़ाई हो गई, फिर मैंने सॉरी बोलकर उसको धीरे धीरे से ठंड की। तो मेरा जो पति है वो थोड़ा सा गुस्सा वाला है, वो शॉर्ट टेम्पर है, गुस्सा हो जाते हैं और फिर शांत हो जाते हैं, कुछ देर के बाद शांत हो जाते हैं। तो ये है, तो जो गुस्सा वाला पति को लेके फैमिली में अगर कोई ऐसे शॉर्ट टेम्पर आदमी हो, स्पेशली पति, तो आप लोगों को पता ही है कि थोड़ा सा एडजस्ट करने पड़ता है। दिल की अच्छे है लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर है। तो यही था मेरा अपडेट। तो मैं रोज़ व्लॉग नहीं दूंगी क्योंकि मेरा जो व्यूज़ है वो पहले 1-2 महीने पहले भी मेरा 500, 200, 500, इवन 1 के जैसे भी व्यूज़ आ गए, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। किंतु लेकिन पता नहीं क्यों 1 महीने में इम्प्रेशन बहुत डाउन हो गए और व्यूज़ आ रहे हैं वो 30-35 ऐसे। तो पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, तो सब लोगों के साथ हो रहा है कि मेरे साथ ही हो रहे है, पता नहीं ऐसे हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि शायद मेरा कंटेंट में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और देखिए, मैं हाउसवाइफ हूँ तो मेरा जो फैमिली है उसको ही मुझे दिखाना है, मेरा बच्चों, मेरा फैमिली, मेरे डेली वर्क्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई डेली व्लॉगिंग पसंद नहीं करते हैं, तो मैं जो जो करती हूँ वही शेयर करने का कोशिश करती हूँ, सॉरी। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, कि लोग मुझे पसंद नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, चलो कुछ अच्छे कंटेंट मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि रोज़ ब्लॉगिंग नहीं दूंगी, 1-2 दिन छोड़ छोड़ के ब्लॉगिंग दूंगी। तो चैनल को तो ठीक रखना है, तो पता नहीं इतना क्यों हो रहा है, वो एकदम घट रहे हैं व्यूज़। तो हाँ, 1-2 दिन छोड़ छोड़ के मैं फिर दूंगी ब्लॉगिंग, तो इसलिए रोज़ नहीं दे पाऊँगी अभी, क्योंकि मैं बिज़ी भी हूँ, थोड़ा शिफ्टिंग का प्रोसेस चल रहा है मेरा, नई घर में जाने वाली हूँ, तो इसलिए इस टाइम बिज़ी भी हूँ। और दोनों बच्चों का स्कूल भी खुल रहे हैं कल कल से, तो इसलिए उसका पढ़ाई, स्कूल में जाना, तो और भी बिज़ी हो जाऊँगी। तो मैं ट्राई करूँगी कि एक फिर भी वीडियो डालने का, 1-2 दिन छोड़ छोड़ के ऐसे डालूँगी। तो आप लोगों का क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, और क्या प्रॉब्लम हो रहा है ये भी अगर आप लोग बताएंगे कमेंट में तो मुझे अच्छा लगेगा कि यही मेरा फॉल्ट है और मैं उसको ठीक करने का कोशिश करूँगी। तो यही था मेरा अपडेट। डेली वर्क वो दिखा दिखा के आप लोग बोर हो गए, मेरा एज सच मैं इतना अच्छी भी नहीं भी हूँ काम करने में, तो मेरा भी इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो मेरा पति बोलते हैं कि तुम खुद इम्प्रूव करो काम, फिर चैनल में दो तो लोगों को अच्छा लगेगा देखने में। तो यही था मेरा आज का अपडेट। तो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करके साथ में रहना।